कहा भाई अगली मेमोरी किसकी है? क्या मदिया की है? ईदी ले लेना, ईदी चुरा लेना इसकी। तुम छोटी थी ना, हाँ। उसको पता ही नहीं होता था, हाँ। ईदियां आ रही होती थी तो वो भाई सही है। मैं बता देती हूँ, ये कहती होती थी कि लाइक हम लोगों को ना लाइक कोई 100 रुपीज देता था, बिकॉज हम छोटे होते थे उस टाइम पे 100 होते थे। शी यूज्ड टू बी लाइक कि 100 छोटा नोट है, 10 रुपीज का नोट बड़ा होता है, तुम ये छोटा वाला मुझे दे दो एंड बड़ा वाला मेरे से ले लो। मैं भी ऐसे हर ना ढूंढते थे मदिया खाला को कि किधर है, जो हमें ज्यादा ईदी देते थे ना पहले तो हम इतना मुंह बनाते थे कि उन्होंने हमें इतनी कम ईदी दी है, फिर उसके बाद हम ना ढूंढते थे, फिर हम इनको जाके देते थे इतने मजे से हमसे, लेकिन ना बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो 10 रुपए ये लो, और हम इतने खुशी खुशी लेते थे। अब आई रियलाइज कि हम कितना गलत कर रहे हैं। हम लोग यही कहते थे करप्शन करप्शन होती थी, करप्शन बचपन से शुरू करते थे। 10 और ग्रीन करते थे कि जो लाइट ग्रीन वाला है ना ये बड़ा नोट है, और वो 10 रेड कलर मुझे नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो वो हम लोगों ने बड़े एक्सचेंज किए कजिन्स के साथ। ये मेमोरीज होती थी अभी, और बड़ा लूटा है बहुत, और बेस्ट होता था यार इतने पैसे दे दो, ईदी आ रही है ना अभी, हाँ अभी तो आ रही है, हाँ। वापस कर देंगे, हाँ। इतने पैसे दे दो ना, ये भी बहुत करते थे भाई। बच्चों ने जो घर के हेल्पर्स है ना उनको बांटी है ईदी। अच्छा, हेल्पर्स ने उनको पटा लिया कि ये जो है ना ये जो ये अब तो 5000 भी मिलती है, ब्लू वाला नोट 1000 भी मिलती है, रेड वाला तुम ले लो, रेड कलर बच्चों को वैसे ही पसंद होता है, ब्लू और ये वाला ऑरेंज वाला हमें दे दो, चेंज उल्टा हो गया। सो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो बहुत लुटे हैं, बालाज तेज है। तो यार नहीं भाई, ब्लू मेरे काम का, वो तो खुद पकड़ाता है, कहते हैं ये लॉकर में आप रख दें और फिर मैं गिन कर मैं उतने आपसे वापस ले लूं। बालाज मैथ में भी तेज होगा, बहुत, हाँ बहुत तेज है, उसको पता है, वो गिनता रहता है, दिमाग में चल रहा होता है, बार बार नोट नहीं गिनता हमारी तरह। अच्छा। निकाले और बार बार नोट गिन रहा है, फिर नहीं, वो मेमोरी है उसकी, वो मिला था, वो उन्होंने दिया था, वो उन्होंने दिया तो अब इतने स्टिल काउंट करके, ओ दिमागी, आपको देने के बाद भी उसका एक माइंड चल रहा है, काउंट इतने आए तो इसके बाद ये हो गया। यस, हम तो सारे सहेलियों में कजिन्स में खड़े होकर गिन रहे होते हैं, तुम्हारी कितनी कितनी सबका ले लेके भी गिन रहे होते हैं, मगर उसकी कैलकुलेशन दिमाग में चलती है। हम तो 10 दफा, हां बार बार उसमें मजा ही, गिनने में मजा आता है। कैलकुलेशन इतनी गंदी बुरी है, एक तो मैं बाजार जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ चीजों में। इस दफा मैं चूड़ियां लेने चली गई, वरना मैं नहीं ईद पे जाती, इनको पता है मैं चांद रात पे नहीं जाती। बहन ने कहा मुझे चीजें लेनी, चलो चलो मैं चूड़ियां लेने चली गई। अब मैं उसके स्टॉल पे खड़ी हूँ, मुझे कह रहा है ये 5 दर्जन है, मैं कह रही हूँ नहीं ये तो मुझे 4 दर्जन है, इसमें तो 10 कम है। कह रहे नहीं नहीं 10 पूरी है, मैं कह रही हूँ नहीं, कैसे मेरी काउंटिंग क्या हो रही है, 12 12 24 24 और 6 प्लस कर दो। तो मैंने कहा ये तो है ही नहीं, इसमें तो कम है, 4 तो तुम कम दे रहे हो मुझे। तो वो कह रहा है मैंने आपको 30 30 के उससे दिए। मैंने कहा नहीं नहीं तुम 4 कम, तुमने 4 कम दे रहे, इसमें भी 4 कम है, इसमें भी 4 कम है, 8 कम है। बाद में मेरी नाई मेरी बहन, उसने कहने से मतिया पूरी है, तुम कैसे काउंट कर रही हो। मैंने कहा मैं कर रही थी 12 12 24 तो काउंट ही नहीं किया, 12 12 और 6 ऐड कर दो तो 12 तो पूरी हुई नहीं। इतनी बुरी। इस दफा इनम ने भी मेरे साथ घपला किया था, मगर पता नहीं शायद मेरी मैथ अनाड़ी है क्या, मैंने मैथ में कभी इतनी अच्छी नहीं थी। ये जो मैं जब शूट्स करती थी, ये जो काम शुरू किया चेक्स में नहीं, चेक्स तो मुझे बहुत रेयर मिलते थे, कैश ज़्यादा, क्योंकि स्टिल शूट में मॉडलिंग में आपको कैश ही हाथ में पकड़ाया जाता है, जब आपकी शूट हो जाती है तो गिनने ही पड़ते हैं। तो मैं बाद में ठीक हुई हूँ, पहले बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसने क्या किया, इस्लामाबाद बैठी हुई थी, ईदी इसकी बनती थी सबको देने के लिए ना, हम भाई के घर पे थे, खाना था, शमी बाजी को भी लेके गई थी, तो इसने ना अपने अकाउंट ऐसे ना ये बस मोबाइल खोलती है, सबका अकाउंट पर ठक 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 ईदी आ जाती है। अब ईदी इसकी तरफ से आई मेरे पास, 1000 रुपये आई थी ना सर, चुप करो, कितनी दी थी पहले, इतना अच्छा 1500 दी थी, 1500 ले ही ना लेंगे, चलो इतनी कोई दी थी, 5000 रुपये इसके पीछे मैं लास्ट टाइम गई थी। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, आप मुझे बताइए मैं सही हूँ या सही हूँ। 5000 इसके ऊपर मेरा उधार चल रहा था, सबको ईदिया से दे दी, जहाँ तक मुझे याद है 1000 1000 दी थी। बाद में जब मैंने लड़ाई की कि मैंने सब बच्चों को 2000 रुपये दिए, तो तुम बड़ी हो के मुझे 1000 रुपये दे रही हो, तो तुम भी मुझे 2000 देता ही नहीं ना, बोल दूंगी मैं गुस्सा से, बता दूंगी फिर क्या किया। अच्छा खैर, तो इसने ना 2000 रुपये ना मान गई कि मैं देती हूँ। अब 5000 रुपये पिछले उधार चल रहे थे 3 महीने से, और 2000 रुपये ईदी मेरी हो गई, तो इसने मेरे अकाउंट में कितने भेजने थे, 7। कैसे 7?
इससे भी कोई सूद लेगा तो मेरे पास 7,000 हो गए. 7,000 रुपए आप सपोज मेरे अकाउंट में पहले 2 भेजे, 12 मांग रही थी ना. नहीं ना, देखो ना, 5 पहले भेजे फिर 2 भेजे. माजरत के साथ उसकी नींद पूरी नहीं हो, जो मुद्दे की बात होती है वो नहीं होती. कभी गधे कभी घोड़े कभी खुद अस्तबल की बात. ओके भाई नेक्स्ट याद. नहीं तुमने कैलकुलेशन ये क्या ईद पे पानी में डुबोना ये कौन करता है. पिकनिक पे हम लोग गए थे और मतलब बचपन की बात है, हम पिकनिक पे गए थे और इसने और मेरा भाई है कामरान, उन्होंने क्या किया पानी के अंदर जाके ना यू नो आपके टांगे, मुझे स्विमिंग तो आती ही नहीं है और हम खुद 12-10 साल की है, हमें पानी के अंदर डुबो दिया. अब आपको कोई पानी के अंदर डुबो दिया मुसलसल अंदर का नहीं नहीं डुबोया था, सांस नहीं आती. नहीं नहीं मैं ना ऐसा लगता है मर रहा है. मुझे तो वैसे ही तैरने अभी मैंने नहीं किया, टांगे खींच ली. नहीं नहीं हम सारे पानी के अंदर पूरी फैमिली. ये भी थी फॉर्म बुक कराई थी. हुआ ये कि ये थी, मैंने इसको मारा नहीं, मारा था मैं, मारा नहीं ये नहीं पूरा बता दो. नहीं पहले यहाँ से कहती है मैं नहीं थी. नहीं समझ नहीं आ रहा. हाँ नहीं नहीं क्या नहीं क्या आप यार ये जीतेंगे. इसके सर के ऊपर हाथ रख के मैं पानी से बाहर कैसे आई. नहीं देखो यार इसके सर पे हाथ रख के आई. मेरा भाई गर्दन मुड़ गई, इतना बड़ा वजूद है इसका, इसको मैं टांगों से खींच सकती हूँ. मुझे वैसे ही तैरना नहीं आता. मैं पानी के अंदर जैसे ही जाऊँ ना हल्का सांस रोक के तो मैं बाहर निकलूँ, इसका भी मुँह पानी में तो ये निकले और यूँ मैं इसको देखूं, फिर मैं पानी के अंदर गोता, फिर ये पानी से मुंह निकाला और मुझे देख. मैंने कही चल क्या, तीसरी मरतबा उसने मेरे बाल लंबे लंबे थे पकड़े, यूं 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 घुमाया पानी के अंदर. और ये कह रही मैंने नहीं डुबोया तो मेरे पास यही क्यों थी. और फिर उसके बाद ना मैंने झूठ बोला उस वक्त कि मेरी गर्दन गई और हिल नहीं रही. अम्मी कहे मुड़ो, मैं यूं अच्छी तरीके से मारा था, सही वाला मारा था. मैं सबसे छोटी हूँ, 8 भाई बहन. डुबोया था किसने? मैंने तो डुबोया नहीं, मुझे बिला भाई ने डुबोया था. एक भाई और एक इसने दोनों ने टांगी क्योंकि मैंने पानी के अंदर देखा था. तो भाई को भी मारती, उसके तो बाल ही नहीं थे, वो तो निकल गया बाहर. मेरे बाल लेके पूरा सिर घुमा दिया. अच्छा फिर मैं झूठ बोला कि मेरे ना गर्दन हिल गई. तो 2 दिन के बाद बोलती है इसका मतलब. उस वक्त तो बोला था मारा तो था. अच्छा 2 दिन के बाद असल में मेरी गर्दन में ना कॉलर नेक लग गया, मेरी ये हालत हो गई थी. तो उसका मतलब इसने इतना बुरा मारा था. असल में जाते हैं आपकी ईद, बहुत सारी ईद की इस तरह वेन खींच गई थी. अक्सर ऐसा होता है ना जब ईद होती है तो पहले या दूसरे दिन प्लान बनता है पूरी फैमिली जो है वो फार्म हाउस या पिकनिक्स मनाने जाए या ऊंट पे बैठने जाए. तो अब चांद रात को इसने मेरा पानी का बोला मैं इसका ना गटर खोलूं. क्या हुआ, एक गटर था बहुत बड़ा, उसमें मार्केट नहीं यहीं पे. नहीं ईद पे तैयार होके जा रहे थे हम लोग. ईद पे तैयार होके जा, इसी तरह का पीले जोड़े का शौक है इसको, सेम ऐसा पीला जोड़ा सिल्क का अम्मी ने बना के दिया था. और हमारी ना गल्फ क्लिफ में शॉप होती थी अम्मी की, हम जा रहे तो अम्मी दुकान में बैठी हुई थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो कस्टमर्स आ रहे होते उनको डील भी करना था अम्मी ने. तो मैं ये स्कूल से चले जाते थे, हम भी ना गर्ल बन जाती आधी कुछ और बता दे. उसके बाद हम वॉक करके गए, उसमें मार्केट आई, दोनों हाथ पकड़ के बैठा दिन था हम लोग. ये आगे आगे जाके ना गाने गा रही थी, बच्चे घूमते हुए जाते हैं, इसको याद है. ये थोड़ा सा आगे जाके गाने गा रही थी, जाते तो मैं नॉर्मली जो है वॉक करके मेरे से आगे थी. ईद का दिन था, कोई मार्केट वाला, मैं आगे निकल के इसका गाना नहीं सुनना था. मैं हर वक्त गाती रहती थी, ऊपर देख रही थी तो गटर खुला था, मैं सीधा अंदर. हाँ अब ना इरम की आवाज के दिन इरम की आवाज आ रही है, मगर वो ऐसे आ रही है जैसे कोई लाउड स्पीकर पे बोल रहा हूँ. मैं बचाओ बचाओ नो गटर में गिर गई. गटर बचाने के बजाय, अम्मी नहीं थी बचाने के बजाय, मैं गटर के ऊपर ऐसे बैठ के तालियां बजाई थी. इरम तो गिर गई, फैमिली के भी लोग थे, गिर गई है बचाने के बजाय गटर में बैठ के हंस रही है. बाकी हाँ तो सामने जो मार्केट थी ना उसमें उधर से सारी औरतें वगैरह सब आई, उन्होंने इसको निकाला. ये निकली तो मेरा ना हंसा ही नहीं बंद हो रहा था. इसे सबसे पहले मैंने वो झपड़ करके झापड़ मारा. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.